हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग हैं गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ BSNL FTTH के स्पीड टेस्ट के बारे में गाइस। तो इसका स्पीड टेस्ट आज हम करने वाले हैं। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर हमारा 1080p वाला वीडियो, 4K वाला वीडियो एंड साथ ही साथ यार 8K वाला वीडियो किस तरह से चलता है, आपको कोई लैग देखने मिलता है या लैग देखने नहीं मिलता। अगर यहाँ पे आपका स्पीड अगर 50 Mbps वाला होगा तो शायद से आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हेल्प यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा स्पीड अभी बेसिकली है वो 50 Mbps वाला स्पीड अपने यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो उस स्पीड के ऊपर मैं आज ये टेस्ट करने वाला हूँ। एंड अगर आपको BSNL FTTH रिलेटेड और भी कोई वीडियोस देखना है, आपको कोई डाउट्स हो गए तो आपको आई बटन में वो सब मिल ही जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसे चेक कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन का अगर होगा, कोई चार्जेस का होगा, यार कितना चार्जेस लगते हैं, तो वो सभी की वीडियोज ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुके हैं। तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि लेटेस्ट वीडियो जो होते हैं उसके साथ आप अपडेटेड रहोगे गाइस, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कौन से इस पे हमें लैग देखने मिल सकता है या कौन सी इस पे हमें लैग देखने नहीं मिल सकता, कौन सी सेटिंग्स पे। तो चलिए देखते हैं वीडियो टेस्ट। तो दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपना एक बार स्पीड यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। तो जैसा भी आप देख सकते हो, मैं स्पीड टेस्ट पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे हमने कर लिया है गो। एंड गो करने के बाद गाइस हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने मिल जाता है। एंड जो स्पीड है हमारी वो 50 की है, लेकिन देखिए आप स्टार्टिंग में कितना आगे चली जाती है ये स्पीड, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा हमें यहाँ पे जो इसका डाउनलोड स्पीड है वो देखने मिल जाते हैं। तो यार मतलब BSNL जितना बताता है उतना तो यहाँ पे स्पीड दे ही रहा है, लेकिन कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो किस लिए होता है वो भी मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ पे बता दूंगा। एंड जैसा भी आप देख सकते हो, हमें जो अपलोड स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से हमें यहाँ पे मिल रही थी एंड बेसिकली मिल भी रही है। 50 Mbps वाला स्पीड वो प्लान है। एंड देखिए आप कितना यहाँ पे मिल रहा है मुझे, एंड यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में बहुत आगे जाता है। तो कुछ इस तरह से हमें जो है बेसिकली यहाँ पे चीज़ें देखने मिलती है गाइस, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एग्जैक्टली वीडियो की। तो जैसे भी आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे 8K करके मैंने वीडियो डाल दिया है एंड अभी मैं ये वाला वीडियो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि गाइस अभी आप देख सकते हो, सबसे पहले तो मैं इसका वॉल्यूम जो है पूरी तरीके से कम कर लेता हूँ एंड अभी आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए बेसिकली चल रहा है 720p पे। तो 720p पे खैर आपको कोई लैग यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा गाइस। अभी हम एक काम करते हैं, इसका जो है ये थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद ये जो सेटिंग्स है, मैं अभी 720p से सीधा जाता हूँ 1080p पे, ठीक है। तो देखते हैं अभी अगर 1080p पे भी हमें कोई लैग नहीं मिलता। देखो इतना बफरिंग ऑलरेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा आगे लेता हूँ, देखिए सबसे आराम से चल रहा है। अभी मैं इसको ना थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ, जैसे कि सीधा 4K पे जाते हैं अभी। तो गाइस ये देखिए यार 4K भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको स्पीड के रिगार्डिंगली। 4K पे भी एकदम आराम से स्मूथ चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बफरिंग भी ऑलरेडी यहाँ पे जो है हो चुकी है गाइस। अगर हम अभी बात करते हैं यहाँ पे इसकी 8K की स्पीड्स के बारे में, तो मैं अभी आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 4K सिलेक्ट किया हुआ है हमने, तो अभी हम फाइनल करते हैं 8K यानी कि 4320 वाला पिक्सल्स। तो जिसके अभी आप देख सकते हो हमने 8K वाला जो पिक्सल है वो सिलेक्ट कर लिया है। एंड आपने जैसे देखा स्टार्टिंग में हमें 1 सेकेंड लगा यहाँ पे बफरिंग के लिए, लेकिन बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अभी खैर अगर आपके डिवाइस में 8K सपोर्ट है तो आप इसे आराम से देख सकते हो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 8K पे भी हमारी बफरिंग जो है यहाँ पे आगे हो चुकी है। मतलब अगर मैं आगे भी करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई लैग देखने नहीं मिलने वाला, देखिए। तो एकदम आसानी से यार आपको ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा हद तक एक सफिशेंट स्पीड हो जाती है, मतलब 50 Mbps वाली स्पीड जिसपे आप आराम से यार 8K भी चला सकते हो। तो गाइस आप बताइए यार, आपको कितना स्पीड की ज़रूरत है यहाँ पे, सब आराम से तो चल ही रहा है ना आपका। तो गाइस देखा आपने किस तरह से यहाँ पे जो 4K है, जो 8K है, जो 1080p है एंड जो 720p है, मतलब HD 4K एंड 8K गाइस, ये सभी के सभी यार एकदम आराम से चलते हैं। आपका अगर 50 Mbps वाला यहाँ पे स्पीड होगा इंटरनेट वाला, तो ये BSNL FTTH पे तो आराम से चल गए। एंड साथ ही साथ अगर आपके पास BSNL नहीं है, अगर आपके कोई दूसरा ऑपरेटर है तो यार उस पर भी ये चल जाएगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि 50 Mbps वाला स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं क्यों हम 50 वाला लें या क्यों हम 30 वाला लें, हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए, ज़्यादा स्पीड चाहिए। तो यार मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर ये 4K पे अगर ले जाता है, तो यहाँ पे अगर आप 4 डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट करते हो एंड सभी के सभी अगर आप 1080p पे भी देख रहे हो, ठीक है, तब भी आपको किसी डिवाइस में यहाँ पे लैग देखने नहीं मिलने वाला, क्योंकि यार हमने ऑलरेडी इसे 8K पे टेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो आराम से आप 4 डिवाइसेस फुल मतलब 1080p पे आराम से देख सकते हो इसमें वीडियोस, कोई प्रॉब्लम नहीं आला। मेरे को नहीं लगता किसी पे भी आपको ऐसा लैग देखने मिलेगा, सभी आराम से बफर हो जाएगा। तो ये तो था बेसिकली BSNL का। कुछ लोग यार काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं कि BSNL यार ढंग से नेट ही नहीं दे रहा, कुछ मतलब सर्विसेज अच्छे से नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, ऐसा वैसा होता है। तो वो डिपेंड करता है मतलब कहाँ पे हो कैसे हो, लेकिन ऐसा ज़्यादा तो होता नहीं है गाइस।
मतलब जो भी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब मुझे भी यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा दिन यहाँ पे हो चुके हैं, लगभग 1 महीना यहाँ पे हो चुका है। एंड इस दौरान मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब जो स्पीड्स थी वो जो बताया गया था वो ऑफर होती थी, हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि स्पीड एकदम से कम हो जाती थी, तो वो होता था कभी कभी। तो यार ये तो बोल नहीं सकते, मतलब कभी नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि काफ़ी दिनों के लिए, मतलब ऐसा पूरा एक दिन के लिए वही स्पीड था, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 1 दिन के लिए होता था, फिर बाद में नॉर्मल सी हो जाता था। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस वीडियो का जो मेन पॉइंट था कि आपको स्पीड के बारे में दिखाना, मतलब 1080p चल सकता है, 4K चल सकता है या 8K चल सकता है, तो वो आप सभी ने देख लिया। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा ये सभी चीज़ें यहाँ पे चल चुकी है। तो अगर आप लेना चाहते हो स्पीड्स, तो 50 Mbps वाली भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। एंड अगर आप मतलब थोड़ा कम लेना चाहते हो 30 Mbps वाला, तो ठीक है यार, 30 Mbps पे भी चल सकता है। जो हमने 4K पे स्टार्टिंग में थोड़ा 1 सेकंड के लिए हम रुके थे ना, तो शायद से वो आपको शायद से 2 सेकंड रुकना पड़ सकता है बस। बाकी और आपको ज़्यादा से कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो भी आप आराम से देख सकते हो। तो ये तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा देना चाहिए 50 Mbps के लिए या 30 Mbps पे आपको रहना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर नहीं है तो मेरे हिसाब से, या ज़्यादा नेट भी नहीं चलाते ना घर के मेंबर्स, अगर ज़्यादा नेट ही नहीं चलाते तो आप इतना महंगा क्यों लोगे, तो आप थोड़ा सस्ता वाला प्लान ले लोगे जो आपको अच्छा स्पीड दे रहा है। ठीक है, तो कोई भी, ये तो आपके ऊपर चॉइस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, तो वीडियो देखने के लिए आपका सभी का शुक्रिया। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर से वीडियो को लाइक दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।